Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. मैं अकील पठान आज एक बार फिर हवाओं के शहर हैदराबाद में और आज मेरे साथ आपको दिख रहा होगा मेरा बेटा अल्तमश अहमद खान जो कि आज मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आप सबके सामने. और वैसे तो आज मेरा संभालने का दिन है अल्तमश का, मैं घर आया हूँ छुट्टी पर, लेकिन व्लॉग भी ज़रूरी है तो आज हम आपको दिखाएंगे हैदराबाद का एक छोटा सा शहर कह लें आप तो, हैदराबाद का एक छोटा सा इलाका है अमेरिकन क्वार्टर, जिसका फूड स्ट्रीट मैं आपको दिखाऊंगा. तो वहाँ पर सस्ता और मयारी खाना मिल जाता है आपको, बहुत कम पैसों में आप पेट भर सकते हैं. तो आज मैं वहाँ जाने वाला हूँ तो अल्तमश जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, लेकिन जाना भी ज़रूरी है तो अल्तमश को मैं यहीं छोड़ के जाऊँगा. अल्तमश फड़क रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अल्तमश मजबूरी है, जाना पड़ेगा बेटा. आप यहीं रहो, हम होकर आते हैं. चलो भला, तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या क्या है, तो हमारे साथ रहिएगा. क्या बना रहे हो अभी तुम? कितने का ये? 50. 50 रुपए का, देख सकते हो ये 50 रुपए का बर्गर, अंडे वाला बर्गर. अंडे वाला बर्गर है. तो मैं उस्मान से ही पूछूंगा कि उस्मान और क्या क्या है आपके पास यहाँ पर? सैंडविच है, कबाब है, अंडा कबाब है, बर्गर है, बन कबाब है. अच्छा, तो ये हमें अभी बना के दिखाएंगे भी और हम टेस्ट भी करेंगे कि इनका कबाब और बर्गर वगैरह जो भी है वो कैसा है. व्यूअर्स, हमारे पास आ गया है अंडा कबाब और रोल और चपाती. अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा. अंडा कबाब आप देख सकते हैं, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है अंडे कबाब की, और रोल भी है. रोल मैं ट्राई करता हूं, बहुत क्रंची सा रोल है ये, देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से. इसको मैं ट्राई करता हूं. आ जाओ. ये भाई हैं, अपनों को ढकते हैं, वेरों को 80 रुपए, अपनों को 100 रुपए. हाँ 80 ना 80. हमने अंडा कबाब भी खाया, रोल भी देखा, बर्गर तो मैं यहाँ का खा चुका हूँ अभी, बर्गर का और उसका सब मूड नहीं है. तो ये मैंने आपको दिखाया, अभी मैं नेक्स्ट आगे जाऊँगा, आगे दिखाऊँगा कि आगे क्या क्या है. और गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, लाइट भी नहीं है और मिर्चें भी बड़ी टाइट. आगे चल. हो रहा है, चार आदमी की रोटी लगी हुई है. अगर आपको कलाकंद खानी हो अच्छी, आप अमेरिकन क्वार्टर में आ सकते हैं, लंबे शेरी पे 500 रुपए किलो आपको कलाकंद दी जाएगी और वो भी
आप? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गुलाम रसूल अट्टारी। गुलाम रसूल भाई, ये जो 10 रुपए आपने लिखे हुए, ये वाकई में 10 रुपए? बिल्कुल वाकई 10 रुपए का है। ये कैसे कर लेते हैं आप इतना सस्ता? अल्लाह ताला इतना महंगा है, अल्लाह तबारक ताला हमें दे रहा है, हम लोगों को दे रहे हैं। और हर चीज की गारंटी है, जो मर्जी आप लगा के आप चेक कर लो। हाँ, भाई का शरबत बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बरकत वाली बात ये है कि जितना इनको मिल रहा है उसमें ये शुक्र अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उसे बरकत दे। हो गया रेडी? कुछ आ गया तो चेक करके आपको बताता हूँ कैसा। मेरे पीछे टिक्का बोटी का एक छोटा सा स्टॉल है, तो मैं ये भी ट्राई करके दिखाऊंगा आपको कि ये कैसा है। अभी बन रहा है, जैसे ही बनता है तो मैं ट्राई करूंगा। यार मुझे एक ट्राई कराना जरा। मैं ट्राई करने लगा हूँ टिक्का बोटी, गरम गरम आ गई है हमारे पास। गर्मी बहुत शदीद है और लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। शानी भाई के पास, शानी भाई तकरीबन यहाँ पर कोई 10-15 साल से, छोटे से थे जब यहाँ आए थे, क्रेजी का ठेला लगाते थे, 18 साल के थे, और अब माशाल्लाह से दाढ़ी आ गई है इनकी और ये यहाँ लोगों को कलेजी खिला रहे हैं और कमा रहे हैं। कलेजी के पास आए इनके पास और ट्राई करेंगे। इमी वाला कबाब है इनके पास, कलेजी है, और आज इनकी काफ़ी अर्से से मैंने भी कलेजी नहीं खाई है, तो मैं आज इनकी कलेजी ट्राई करूँगा कि टेस्ट 16 साल जो पहले मैंने खाई थी वैसा है या नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से से कलेजी खाना छोड़ी हुई थी, तो आज मैं दोबारा ट्राई करूँगा। एक प्लेट निकालो मेरे लिए। हाँ
कलेजी आ गई है। भाई का कहना है कि गारंटी शुदा कलेजी है, पाकिस्तान के एक नंबर कलेजी, आप किसी भी लेबोरेटरी से टेस्ट करवा सकते हो। तो सबसे बड़ी लेबोरेटरी तो मैं हूँ, मैं खुद चेक करके बताऊंगा कि कैसी है। चाची जवाब नहीं है तेरा, अच्छा वही टेस्ट है जो छोड़ के गया था मेरे पास। निशान भाई का कहना है कि हर जगह पर पैकेट वाला माल बिक रहा है, लेकिन ये जाकर खास तौर पे तंबेले से लेकर आके उसकी सफाई वगैरह खुद करके और लेकर आते हैं, मतलब क्वालिटी इन्होंने अपनी बरकरार रखी है। तो मैंने जो खाई थी पहले और जो मैं आप खा रहा हूँ, तो ज़रा भी इसमें फ़र्क नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो है ना, इनका जो ये मसाला होता है ना, ये बहुत टेस्टी होता है। तो ये मसाला जो है, अगर इसकी मैं कहता हूँ कलेजी की जान है। मैं इनसे पूछूंगा अभी कि मसाले में क्या डालते हैं, सीक्रेट क्या है, अगर ये बता दें तो। देखा हमने आपको अमेरिकन क्वार्टर हैदराबाद की फूड स्ट्रीट दिखाई, आपको बर्गर दिखाए, आपको रोल दिखाए, आपको कलेजी वाले दिखाए, एडीसी सब चीज़ें आपने देखी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। मेरा ये हैदराबाद अमेरिकन क्वार्टर का फूड स्ट्रीट दिखाने का मकसद ये था कि अच्छी चीज़ और सस्ते दामों पर, मतलब मेरा एक यही है कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ दिखाऊँ जो रिजनेबल हो और अच्छी हो खाने में भी। तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ एंड करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह देखते रहें चैनल, और मैं इसी तरह आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाता रहूँगा। तो इसके साथ मुझे यानी अकील पठान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और जगह पर किसी और चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।